वेलकम बैक दोस्तों। कैट में भी 2 महीना से भी कम बचा है। जो 3 सेक्शन है कैट के, क्वांट, वर्बल और डीआईआर। क्वांट में क्या होता है कि जनरली आपके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, अर्थमेटिक है, एलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, आप कोई टॉपिक कर लो आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप 2 टॉपिक अच्छे से कर लो, चैप्टर्स बना लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका क्वांट क्लियर हो जाएगा। वर्बल तो जनरली बचपन से होता है, जिनका बचपन से वर्बल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे स्कूलिंग जिन्होंने किया है, कम्युनिकेट करते थे अच्छे से इंग्लिश में ही, नॉवेल्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे मेरा इंग्लिश कंपेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल वाज स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई वाज इन डीपीएस आरकेपुरम, आई वाज ऑलवेज एक्टिव कम्युनिकेटिंग वेल इन माय स्कूल इन किशनगंज एज वेल। लेकिन डीआईएलआर एक ऐसा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, जो आदमी मेहनत करके और दिमाग लगा के, स्ट्रेटेजी करके, धूनी जैसा दिमाग लगा के क्रैक कर सकता है। मैंने अपने टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो डीआईएलआर में दिमाग लगा के, मतलब 4 महीना एकदम दिमाग वाला प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी वाला प्रिपरेशन करते थे और 99% ले आते थे। एंड दीज आर नॉट पीपल हु आर वेरी वेरी ब्राइट और वेरी स्मार्ट, दीज आर एवरेज फोक्स हु वर्क हार्ड। कैसे, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। सबसे पहला बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, डीआईएलआर की इसको सॉल्व करने का है कि आपको लास्ट के 4-5 महीने में प्रैक्टिस करना है। जिन्होंने लास्ट के 4 महीने में डीआईएलआर प्रैक्टिस किया है, उसी का डीआईएलआर में अच्छा मार्क्स आएगा। जो पहले प्रैक्टिस करके आ गया 10th में बेसिक्स में, उसको नहीं, मतलब क्वांट हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वांट आप 12th तक पढ़ते हो, IIT में पढ़ाते हो, पर DILR अकेला नया एक ऐसा टॉपिक है जो कैट में पूछा जाता है नए तरीके से। सो समवन हु सॉल्व 400 DILR सेट्स इन द लास्ट 5 मंथ्स, 400 DILR सेट्स मतलब 200 DI 200 LR, यू आर सॉर्टेड। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व 200 DI सेट्स, 200 LR, ठीक है, मिनिमम। नाउ फ्रॉम वेयर डू यू हैव टू सॉल्व दिस 200 DI एंड 200 LR सेट्स, ये आपको बता दूं। देखो इसमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं है जो मैंने आपको बताया क्वांट की तरफ, तो आपको मटेरियल जुगाड़ना है। कैसे मटेरियल जुगाड़ोगे, पहला आपने कहीं कोचिंग किया होगा तो आपने जहाँ भी कोचिंग किया उसको खत्म कर दो A to Z। सबसे पहला बात ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको आप क्वांट की तरह, इंग्लिश की तरह ऐसे मत करो कि मैं कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम लिमिट कुछ भी है नहीं। जब भी DILR सॉल्व करना है वो टाइम लिमिट में ही सॉल्व करना है, तभी मैं उसको 1 क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, कभी भी आपको करना है। कोचिंग भी आप करो, आप अपना एक टाइम लिमिट सेट करो। कैट में DILR का जो टाइम है उसमें जितना क्वेश्चन आता है आपको उतने क्वेश्चन ही रखने हैं अपने पास, और अटेम्प्ट 70% क्वेश्चन करने हैं उसके, कम से कम 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है, ये आपको पक्का करना है मेरे फ्रेंड्स। अगर आप टाइम लिमिट के ऊपर सॉल्व करते हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि DILR में कुछ आपसे हार्ड साइंस, रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है, बहुत ईजी फंडामेंटल चीज़ें पूछी जाती है, तो उसका मेन चीज़ ही टाइम है, कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, राइट टाइम में सॉल्व करना है। तो DILR कैसे सॉल्व करना है, जितने मॉक्स है वो खत्म कर लो, मॉक्स अगर आपको टफ भी लगता है तो DILR का पार्ट सॉल्व कर लो, सेक्शनल मॉक्स DILR का सारा खत्म करो जहाँ भी आपने से लिया, और वही कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करो, कोशिश करो ऑनलाइन ही सॉल्व करने का, और राइट टाइम पे क्लॉक रखो, स्टॉप वॉच सॉल्व, अलार्म लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। जब ये मटेरियल खत्म हो जाएगा, ये मटेरियल नहीं हो आपके पास, तो यूट्यूब में आप एलिज ग्रीड और उदा सर का जो यूट्यूब चैनल है, इनका प्लेलिस्ट है DILR का, एलिज ग्रीड का बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे दिखेगा, वो सॉल्व करो। उदा का भी प्लेलिस्ट आप यूट्यूब में वो जाके सॉल्व करो, इसमें आप पूरा सॉल्व कर लो, आपको 200-200 सेट मिल जाएगा। जो ये बोल रहे अभिषेक सर, इतने क्वेश्चन ही नहीं है, ये सब कर लो आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये तो था DILR का पार्ट। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि क्वांट कहाँ से पढ़े, क्वांट का अगर किसी को मटेरियल जानना है तो अभी एक बहुत अच्छा किताब आया है, भरत गुप्ता सर का किताब है मैथमेटिका। इस किताब की क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ और किताब भी दिखाता हूँ। दोस्तों तो ये वो किताब है जिसके उन्होंने बात करा था, मैथमेटिका किताब है, दिस हैज बीन रिटन बाय भरत गुप्ता सर, ही हैज बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी फॉर 6 ईयर्स नाउ, ठीक है, और इनको 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कैट और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में पढ़ाने का। तो ये पहला वॉल्यूम है एक्चुअली अर्थमेटिक का। वाइल गोइंग थ्रू दिस बुक मुझे पता पड़ा, मैंने देखा कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर स्टूडेंट्स जिनको बेसिक से एडवांस की कॉन्सेप्ट चाहिए अर्थमेटिक के। इनके बाकी वॉल्यूम्स भी आने वाले हैं। इनका स्पेशल USP क्या है कि कंपेयर टू अदर फेमस क्वांट बुक्स इन द मार्केट, दिस बुक हैज़ मोर नंबर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस, कंप्लीट सॉल्यूशंस एंड डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। एज यू कैन जनरली सी द बुक अवेलेबल कंटेंट्स ऑल द 5 मॉड्यूल्स, मतलब क्या होता है बाकी किताबों में क्या होता है कि सारे मॉड्यूल आपको एक बुक में मिलता है, पर ये भरत सर का जो किताब है ना मैथमेटिका का, इसमें अर्थमेटिक का ही एक स्पेशल बुक बनाया है, मतलब 550 पेज का, तो काफ़ी डेप्थ में आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है। और क्या USP है, क्योंकि जो डेप्थ है तो काफ़ी चीज़ें हैं USP में। नंबर 1 इज टाइप वाइज क्वेश्चंस, जो सबसे बड़ा फीचर है इस बुक का कि आपको सारे इंक्रीजिंग डिफिकल्टी का टाइप का क्वेश्चंस मिल जाता है, हर कंसेप्ट की टाइप के क्वेश्चंस आपको सेपरेट मिल जाएंगे जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग सम से हॉट्स, मतलब कि अगर आपको हायर अंडरस्टैंडिंग करना है तो आप हॉट सॉल्व कर सकते हो, लास्ट ईयर कैट के क्वेश्चंस तो है ही। जो लिंक है Amazon का बुक वाला डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके आप खरीद सकते हो बुक माय डियर फ्रेंड्स। मैं बोलूंगा कि इनमें से आप 100 सेट से सॉल्व करो,
the next 100 tests for DIL you should ideally solve the past year questions. जो past year के questions से आपको किताबें भी मिलती है, खरीद लो, online भी मिलता है, internet का use करो, solve past year questions. कई बार आपको exact past year question नहीं मिलेगा, उसका replica मिलेगा coaching institute का, तो वो solve करो. ये क्यों important है? क्योंकि आपको CAT में past year question का level का ही question solve करना है. कई बार coaching में क्या होता है, ऐसे कैसे questions होते हैं जो CAT से अलग होता है, NMAT का होता है, ZCAT का होता है, मतलब आपका main focus CAT है. ठीक है, idea. और आपको क्या करना है? The next thing for strategy is you have to learn the art of picking easier set. वो आप कैसे पिक कर सकते हो easier set? This will only happen after you solve at least 100 sets or 50 sets of DILR. You will then get to know कि कैसा question मैं सही कर पाता हूँ. वो आपको दिमाग में अपने आप आएगा. तो आपको subconsciously पता लग जाएगा कि ये मेरा सही होता है, ये मेरा गलत होता है. तो जब आप block बनाओगे DILR का या time limit बनाओगे, मैं बोलूँगा एक दिन solve करो, अगले दिन analyze करो. अगले दिन आपको चार चीजें ध्यान रखने analyze करने में. Number one, which are the questions that you attempted, made right, but ज़्यादा time में right किया, तो उसको कम time पे right करो. ठीक है, जो आपका clock में time उसके हिसाब से. Number two, which are the questions that you should not have attempted. Number three, which are the questions that you should have attempted but you did not attempt क्योंकि आपको लगा time नहीं. Number four, which are the questions you attempted but wrong बना दिया आपने क्योंकि आपने हड़बड़ी में कुछ भी एक basic mistake किया. ये चार चीज़ आपको एनालाइज करना है और ये करके आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से सेट से जो आप सही करते हो राइट टाइम पे, सही नहीं करते हो, सही करते हो राइट टाइम, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. मैंने कई बार एग्जांपल दिया, सचिन तेंदुलकर मेड 241 इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, 4 टेस्ट इन सिडनी. पहला 3 टेस्ट में वो सिर्फ कवर ड्राइव पे आउट हो रहा था. उसने 4 टेस्ट में कवर ड्राइव मारा ही नहीं, उसने कवर ड्राइव मारा ही नहीं, तो ऑस्ट्रेलियंस बोर हो गए. फिर बॉल पिच उन्होंने स्टंप पे दिया या बाहर थोड़ा सा दिया, उसने स्ट्रेट ड्राइव मारा, लेग में मारा, 241 मार दिया. DILR में तो ये बहुत सही एप्लीकेबल होता है माय डियर फ्रेंड्स. यू हैव टू अप्लाई दिस विद DILR, यू आर सॉर्टेड माय डियर फ्रेंड्स. और अगर मैं कुछ पॉइंट भूल रहा हूँ, अगर आपका DILR बहुत वीक है तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको 2-2 सेट सॉल्व करना है. मतलब आप 50% ऑफ द सेट सॉल्व कर दो DILR में, आपका काम हो जाएगा. तो डरो मत, इतना के बाद भी आपको डर लगता है तो आप ये काम रखो, मतलब आपका सेक्शनल्स क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जो रिसोर्सेज बेस्ट थे DILR के लिए वो है रुदा का प्ले लिस्ट, और बताइए LHB का प्ले लिस्ट, टाइम करियर लॉन्चर का स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अरुण शर्मा का DILR.